रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भिखारी की तरह तो बहुत जी लिए, लेकिन आज रात से राजा की तरह जिंदगी बिताएंगे इस राशि वाले लोग। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस आने वाले शनिवार के दिन शनि नक्षत्र पड़ने जा रहा है, और दोस्तों शनिवार के दिन शनि नक्षत्र का पड़ना बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ इस दिन सुबह 9 बजे से अमृत सिद्धि योग और सर्वासिद्धि योग भी पड़ने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि शनिवार कलयुग के महाराज भगवान शनिदेव जी का दिन कहलाता है, और दोस्तों भगवान शनिदेव जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ जाती है उसकी तो मानो किस्मत ही चमक जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शनिवार की सुबह ग्रह, गोचर और नक्षत्रों की स्थिति एक ऐसा विशेष संयोग बना रही है जिसकी वजह से इस दिन द्वि पुष्कर राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। और दोस्तों इस राजयोग का प्रभाव कुछ विशेष राशि वालों पर भी अवश्य पड़ेगा। दोस्तों इन राशि वालों के ऊपर भगवान शनि देव और माता लक्ष्मी जी की अब असीम कृपा पड़ने वाली है, जिससे कि अब इनके जीवन में चल रही दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, और भगवान शनिदेव की कृपा से इनके लिए आने वाला समय विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है। तो आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ होगा, इन सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि अब इन राशि वालों को भगवान शनिदेव की कृपा से इनकी मेहनत का फल इन्हें अब मिलने वाला है। कार्य व्यवसाय में मंदी का माहौल रहने के बावजूद आप अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में नया मुकाम बनाएंगे। बिजनेस में आपको आशा के अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्य में तनाव का माहौल अब कम हो सकता है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध और बढ़ेंगे। दोस्तों रोजी रोजगार में आपकी अब वृद्धि होगी। छोटा व्यापार करने वाले लोगों को धन प्राप्ति के कई सारे नए अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों आने वाले समय में आप काफ़ी उत्साहित रहने वाली हैं। इसका कारण यह है कि कई सारे मामलों में आपको किस्मत का साथ मिलता नजर आएगा। हाँ दोस्तों एक बात ज़रूर है कि पिछले कुछ महीनों से आपकी आजीविका को लेकर जो अस्थिरता बनी हुई है वह अब इस महीने दूर हो जाएगी। दोस्तों आप लिख कर ले लीजिए कि इस समय आप अपने सुनहरे करियर के साथ अपने जीवन को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों शनिदेव की कृपा होने से धन योग का आपके लिए निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यकीनन इस समय कोई बड़ा धन लाभ भी जल्द होगा। आपको उस जगह से भी धन प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचना भी बंद कर दिया था। दोस्तों यह समय सकारात्मक परिणाम आपके लिए लेकर आने वाला है। दोस्तों आने वाला समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। बहुत समय से यदि आप अपनी पुरानी ज़मीन या जायदाद बेचने के लिए उत्सुक थे तो वे अब बिकने के योग बन रही हैं। भाई बहन से इस दौरान लाभ के साथ साथ तनाव भी आपको मिलेगा। आप इस दौरान संतान की उच्च शिक्षा हेतु मनी इन्वेस्ट कर सकती हैं। पहले से किए गए निवेश से आपको लाभ होगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आने वाली 10 तारीख के बाद अचानक से अचल संपत्ति का भी सुख आपको प्राप्त होगा। घर में पूर्ण सुख की प्राप्ति की चीज़ों का आगमन होगा। दोस्तों 12 तारीख के बाद आपको ऐसे मौके मिल सकती हैं जो आपके जीवन का बड़ा बदलाव का कारण भी बन सकती हैं। विशेषकर जो अपनी नौकरी को लेकर चिंतित थे या फिर स्थान में बदलाव कराना चाहती थी,
उनके लिए भी ये समय सकारात्मक संकेत कर रहा है। जॉब चेंज का बेहतर ऑफर तो आपको मिल ही सकता है, इसके साथ साथ एक लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी भी आपको प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र से जुड़ने से, नौकरी प्राप्त होने से जीवन में धन का आगमन आपके शुरू हो जाएगा, जिसका कि सीधा लाभ आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ सामाजिक एवं कार्यस्थल पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायक कहा जा सकता है। कुछ नया करने में, नया सोचने में व्यापार करने वाले लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय आपको विरोधियों से चुनौतियां भी मिल सकती हैं, लेकिन दोस्तों भाग्य का साथ मिलने से आप अपने व्यापारिक विरोधियों को परास्त कर पाएंगे, जिसका कि लाभ आपको अपने व्यापार में देखने को भी मिलेगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि व्यापार अधिक होने से लाभ भी अधिक होगा, विशेषकर दोस्तों इस दौरान आपके कार्यों में फिर से तेज़ी आएगी। इस समय आप अपने करियर में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कपड़े के व्यापारी, धान के व्यापारी, तरल पदार्थों के व्यापारी, धातु से जुड़े व्यवसाय एवं खुद के व्यापार करने वालों के लिए आने वाला समय बेहद लाभदायक सौदा साबित होगा। कार्यक्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के चलते महीने के अंत तक कई जगह धन निवेश करने में आप कामयाब भी रहेंगे। दोस्तों इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो लोग शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते थे उनके लिए भी यह समय शुभ अवसर लेकर आया है। आपके द्वारा किया गया निवेश आपको अकल्पनीय लाभ दिला सकता है। दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा से आपके खुद के मकान का सपना भी अब पूरा हो सकेगा। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि शनि ग्रह की स्थिति यह भी कह रही है कि इस गोचर काल में सेहत में लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। प्राणायाम के साथ आपको योगासन करने की भी आवश्यकता है। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा में उचित परिणामों की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा का सपना भी आपका पूरा होता नजर आएगा। दोस्तों इस दौरान प्रेम जीवन में चली आ रही परेशानियां भी आपकी खत्म होंगी। विवाहित जीवन में भी पत्नी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए भी उच्च कन्या का रिश्ता सामने से आएगा। दोस्तों अब चलिए आपको बता देती हैं कि आखिर वह राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं। तो आपको बता दें कि वह राशियाँ हैं कुंभ राशि, धनु राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और कन्या राशि। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनि देव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।